कौन साहब? शिवा, दादाजी ने तानाजी की देखभाल के लिए मुझे रखा है। गाड़ी में सामान रखा है, अंदर ले आओ। हाँ। और ये काशी है, हमारा ड्राइवर। जी। ये कुछ दिन यही रहेगा, इसके रहने का इंतजाम कर दो। हाँ। ए जेंगर, अपन ड्राइवर नहीं है, गाड़ी का मालिक है, चाय ला धर। दादाजी कैसे हैं आप? कितना बड़ा हो गया है तू अमोहन, फोटो नहीं देखी होती तो पहचान नहीं पाता। वहां अपना ख्याल रखते हो ना? बिल्कुल रखता हूँ दादाजी, लुक एट मी, एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन। लेकिन आप थोड़े दुबले लग रहे हैं। लगता है भैया और भाभी आपका ख्याल नहीं रखते हैं। ओह लुक एट हिम, ये कौन है? लेट मी गेस, ताना जी। तानिया, ओह माय गॉड, देख कौन आया है, तेरा अंकल मोहन अंकल, पहचाना? मोहन, एक मिनट। भैया और भाभी कहीं नजर नहीं आ रहे, कहीं बाहर गए हैं क्या? मंदार भैया, भाभी, थैंक यू। बताइए ना दादाजी, कहाँ है भैया भाभी? दादाजी और दादाजी, रखा ही क्या है इस घर में? ऐसी सुनसान जगह पर तो रहने में भी डर लगता है, और शायद इसी माहौल की वजह से ताना किससे कुछ कहता सुनता नहीं है। अब समझ में आया कि मोहन पिछले 15 सालों से घर वापस क्यों नहीं आया, जब इन्होंने अपने भाई को इस माहौल से दूर रखा है, तो फिर मेरे बेटे को आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं दादाजी? मुझे तानिया के भविष्य की चिंता हो रही। 5 साल का हो गया, ना तो ठीक से बात करता है, ना ही किसी से घुलता मिलता है, और तो और यहां आसपास में उसकी उम्र के बच्चे भी तो नहीं है। मंदार, तुम पैदा होते ही बोलने लगे थे क्या? और फिर इस घर में तुम भी तो बड़े हुए हो, तुम्हें क्यों नहीं डर लगा? दादाजी, आप हमारी बात का गलत मतलब लगा रहे हैं। मुझे पता है आपको इस घर से बहुत प्यार है, मगर अब ये पुराना हो चुका है। पुराना हो गया है? पुराना हो गया मतलब इस घर की अहमियत तुम्हारे लिए खत्म हो गई है। ये मत भूलो कि इसी घर के साए में तुम पले बड़े हो। दादाजी, आपकी बात बिल्कुल सही है, मगर वक्त बदल गया है, और बदलते वक्त के साथ हमें भी तो बदलना चाहिए। हम इस घर को बेचकर। क्या कहा तुमने? क्या कहा? अगर आज के बाद एक दिन भी घर बेचने की बात की तो याद रखना, उठो तानिया, चलो स्नेहल। चलो जल्दी। मंदार बेटा, इस तरह गुस्से से घर छोड़कर जाना अच्छा नहीं है। नहीं काका, अब बात हो गया, अब और मैं इस घर में नहीं रह सकता। मंदार बेटा, इस समय तुम्हें सवारी कहां से मिलेगी? चलो। और गांव में क्या कुछ नहीं हो रहा है तुम्हें पता है ना? इतनी रात गए घर से निकलना अच्छा नहीं है बेटा। काका हमें मत रोकिए, बाहर जो होगा वो हमारी किस्मत होगी, लेकिन घर के अंदर रहकर मैं अपने परिवार को घुटते हुए नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। चलो मंदार बेटा, मेरी बात सुनो। मंदार बेटा, मेरी बात सुनो, देखो मेरी बात सुनो। और उस रात के बाद उन दोनों को किसी ने नहीं देखा। अगर मुझे पता होता कि मेरी जिद की वजह से मेरे बच्चे रात को तानिया शिवा को मिला बांस के जंगल में अकेला, उस दिन से मैंने शिवा को रख लिया तानिया को संभालने के लिए।
अरे ताना जी, इतने रात गए आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए अपने घर, आपके पिताजी आपके लिए परेशान हो रहे होंगे। चलिए चलिए।